हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपने जो चार्जर एक्स है ना, तो आप अपने चार्जर एक्स और वाई को आप कैसे इजीली ख़तरनाक बना सकते हैं। और उसके साथ ही साथ एक टॉपिक पे और भी काम करूंगा कि चार्जर एक्स और वाई में से कौन सा पोकेमॉन ज़्यादा खतरनाक है। तो तीन कारण बोलूँगा और तीन ही कारण बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको पहचानने में कि कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। तो पहले बात कर रहा हूँ कि चार्जर एक्स और वाई के लिए मूव्स, बेस्ट मूव्स और बेस्ट आइटम्स, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बोलूँगा। फिर बोलूँगा कि चार्जर एक्स और वाई में से कौन सा ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस, वीडियो थोड़ी देर बाद शुरू होगा और उससे पहले दो चीज़ों पर मैं बात करूँगा। तो मेरे जो दोस्त सब्सक्राइबर है ना, तो वो मुझसे बहुत दिनों से कुछ बात कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि देने के लिए, तो मैं दे रहा हूँ। मैं उनके लिए आज ही एक बताऊँगा। तो पहला है कि ये जो हाइपर प्रणव है, तो उसने मुझे बोला कि भाई शाउट आउट उसको दो। तो भाई मैं शाउट आउट तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और मेरे चैनल में उतना ग्रो नहीं है कि मैं तुम सबको शाउट आउट दे सकता हूँ। तो अच्छा नहीं लगता क्योंकि लो सब्सक्राइबर है ना, तो तभी मैं दे रहा हूँ, तुमने बताया था। तो जो ये फर्स्ट था, और दूसरा नंबर पर जो है वो है कि मेरे एक दोस्त का चैनल है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो वीडियो में दिखा रहा हूँ उसके चैनल के बारे में। तो गाइस, मेरा एक दोस्त है जो सब्सक्राइबर है, और उसने वो बोल रहा था कि उसके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज़ उसके सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर तुम्हें अच्छा लगे उसके वीडियोस। तो उसके चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है, तो मैं सब्सक्राइब कर देता हूँ, तो 96 हो जाएगा उसका। तो प्लीज़ तुम भी सपोर्ट कर दो, और शायद वो अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाएगा। तो मैं शेयर करता हूँ, और मैं कब एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो गाइस, अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो मेरे एक कमेंटर ने मुझे बताया कि भाई चार्जर एक्स को उसका है, तो चार्जर एक्स को वो कैसे खतरनाक बना सकता है क्योंकि वो थोड़ा वीक है। तो चार्जर एक्स के बारे अगर स्टार्ट तुम देखोगे तो यहाँ पे स्टार्ट शो हो रहा है, तो उसका अटैक और स्पीड अटैक सेम ही है 130, तो उतना खास भी नहीं है कुछ। तो मैं लेकिन आप भी उसे ख़तरनाक बना सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कैरी आइटम में देना पड़ेगा चॉइस बैंड, ठीक है। तो उसके साथ ही साथ तुम्हें देना पड़ेगा उसको ड्रैगन क्लॉ, मतलब स्लिप देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा ब्रिक ब्रेक और फायर पंच, या फिर तुम ब्रिक ब्रेक ब्रेक की जगह कोई और भी फाइटिंग टाइप मूव रख सकते हो। फाइटिंग टाइप क्यों, क्योंकि टायर या फिर कोई भी अगर डार्क टाइप या फिर कोई रॉक टाइप आया तो उसको डिफीट करने में हेल्प करेगा। तो नेचर रखना आधा मंथ, और रखना कि हार्ड क्लॉस एक्टिवेट करना, तो अटैक बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कि चार्जर वाई के लिए बेस्ट मूव्स और बेस्ट कैरी आइटम्स और जो अच्छे अच्छे चीज़ होते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो चार्जर वाई एक फ्लाइंग और फायर टाइप पोकेमॉन है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें उसका अटैक्स बहुत ही ज़्यादा मूव्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, लेकिन इस गेम में उतने ज़्यादा अच्छे मूव्स चार्जर वाई को नहीं दे रहा है गेम। तो क्यों नहीं दे रहा है ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि चार्जर डिवाइस असली में जो होता है ना, तो गेम में, इस गेम में नहीं लेकिन वो दूसरे गेम में और रियलिटी में भी वो एक अच्छा फ्लैंक टाइप मूव सीखता है, तो उसके बारे में भी बात करूँगा। तो चार्जर डिवाइस के लिए मैं गेम में बोल रहा हूँ कि बेस्ट मूव कौन सा है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब असली में कौन सा मूव्स है, तो मैं पहले बोल रहा हूँ गेम के लिए। तो गेम में सोलर बीम रखना, स्लिप रखना, और रखना फ्लेम थ्रोअर या फिर फायर ब्लास्ट, और रखना कि तुम ड्रैगन पल्स अगर तुम्हारे पास टीसीजी हो तो तभी रखना, ठीक है। तो अगर नहीं हो तो तुम कोई भी मूव्स रख सकते हो, तो लेकिन ट्राई करना कि स्पेशल अटैक ही रख सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हें इसका स्टार्स देखोगे तो उसका स्टार्स में एसपी अटैक बहुत ही ज़्यादा हाई, 159 बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, और एसपी डिफेंस भी बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर असली में बात करें कि चार्जर वाई के लिए बेस्ट मूव्स, तो मैं सजेस्ट करूँगा ड्रैगन पल्स, एयर स्लैश जो कि एक फ्लाइंग टाइप अटैक है, और है कि तीसरे नंबर पर स्लीप, और चौथे नंबर पर फ्लेम थ्रोअर या फिर फायर ब्लास्ट। तो ये बेस्ट मूव्स हैं, तो इजीली आप कोई किसी भी पोकेमॉन को मार सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये एयर स्लैश जैसे मैंने बताया था, और ड्रैगन पल्स, ठीक है, रखना, इन दोनों को रख सकते हो, और स्लीप की जगह तुम रख सकते हो ये जो सोलर बीम होता है ना उसको रख सकते हो, और फ्लेम थ्रोअर भी रख सकते हो, और उसके साथ साथ लेफ्टओवर्स कैरी आइटम दे देना, तो एचपी रिस्टोर होता जाएगा, तो स्लीप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे मूव्स हैं, तो रखना ड्राउट, रखना ड्राउट, रखना जो एक्टिवेट में होता है ना उसको रखना, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और तुम रख सकते हो टिमिड, या फिर तुम, मैं सजेस्ट करूँगा कंजर्व नेचर रखो, क्योंकि एचपी अटैक ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो जो मैंने मूव बताया चार्जर वाई के रियलिटी में, तो वो उनसे आप इजीली कोई भी स्वैम्पर्ट, कोई भी चार्जर एक्स, कोई भी ड्रैगनाइट,
या फिर कोई भी टायरेंट, ऐसे बहुत सारे पोकेमॉन्स को आप इजीली डिफीट कर सकते हो। तो चार्जर वाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, तो आप उसका स्टैट्स फिर से देख सकते हो। तो आप बात कोई ए, तो अब बात करते हैं कि चार्जर एक्स और वाई में से कौन से ज़्यादा खतरनाक है। तो ऑब्वियसली चार्जर वाई खतरनाक है, तो इसके लिए तीन कारण मैं बता रहा हूँ। तो पहला कारण कि आपने स्टैट्स देखा, तो स्टैट्स में आपने देखा कि चार्जर एक्स का और एक्स का अटैक एंड एसपी अटैक 130 है, तो लो है। और अगर बात करते हैं कि चार्जर वाई के स्टैट्स के बारे में, तो 159 है एसपी अटैक, तो अटैक लो है। तो अटैक के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो अटैकर नहीं है, एसपी अटैकर है, तो बहुत ही ज़्यादा कूल है वो, और जो मूव्स बताया वो भी कूल है। तो ये पहला रीज़न था। और उसका अटैक भी तुम डिफेंस भी देख सकते हो कि चार्जर एक्स का कि डिफेंस थोड़ा हाई 111 है और एसपी डिफेंस थोड़ा लो है, लेकिन अच्छा ही है। तो चार्जर वाई का उससे भी अच्छा है, 115 एसपी डिफेंस है और डिफेंस थोड़ा लो है। तो ये एक पहला रीज़न था। और दूसरे रीज़न के बारे में बात करें कि अगर फाइट हुआ कि चार्जर एक्स और वाई में से कौन जीतेगा, तो जीतेगा मैंने बोला कि वाई जीतेगा। तो क्यों जीतेगा, क्योंकि उसका मूव्स थोड़ा अच्छा है और उसका स्पीड अटैक और स्पीड डिफेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो स्टैट्स में भी अच्छा होता है और मूव्स में भी अच्छा होता है। तो ये रीज़न है मूव्स के ऊपर। तो मूव्स के बारे में मैंने पहले ही बात किया था कि ड्रैगन पल्स, एयर स्लैश, और मैंने बताया था फ्लेम थ्रोअर, और बताया था सोलर बीम। अगर ये मूव्स रखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और एक से दो ड्रैगन पल्स में ही ढेर कर देगा एक चार्जर एक्स को ईजिली चार्जर वाई। तो चार्जर वाई का पावर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसका स्पीड अटैक जैसे कि मैंने बताया था। तो ये था दूसरा रीज़न। और तीसरे रीज़न के बारे में बात करें तो चार्जर ये भी है एक वैसा ही है जो दूसरे नंबर पर था। तो ये है कि चार्जर एक्स जो जिन पोकेमोन को हरा नहीं सकता, मतलब हराने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है या फिर मतलब हरा नहीं सकता ऐसा ही कुछ है मामला है, तो उसको इजीली मार देगा ये चार्जर वाई। तो कैसे मारेगा, अगर मान लीजिए ओपोनेंट का पोकेमोन जो है टायरेंट है, ठीक है, तो चार्जर वाई अगर एक सोलर बीम करे तो अगर वो क्रिटिकल हिट हुआ तो वो टायरेंटर मरेगा ही मरेगा, अगर ड्राउट हुआ तभी, ठीक है। तो अगर नहीं भी हुआ तो भी वो एचपी बहुत ज़्यादा लो कर देगा, और एक रॉक साइड अगर चार्जर उनको दिया गया तो चार्जर वाई हाँ मर जाएगा, ये सच है, लेकिन चार्जर वाई सबसे ज़्यादा डैमेज देगा। तो बात करते हैं कि अगर ब्लेजिकन अटैक करेगा तो चार्जर एक्स के ऊपर, तो चार्जर एक्स ईजिली मर जाएगा क्योंकि उसका स्पीड हाई है। तो लेकिन अगर चार्जर वाई और ब्लेजिकन का अगर फेस टू फेस लड़ाई हुआ तो ईजिली जीतेगा चार्जर वाई, क्योंकि एयर स्लैश जो कि मैंने बताया कि फ्लैंक टाइप मूव है और बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, तो स्पीड ब्लेजिकन की स्पीड पहले लो होता है और धीरे धीरे जो स्पीड बूस्ट है उससे इंक्रीज होता है। तो तुम सोच सकते हो कि वो एयर स्लैश एक ही फ्लाइंग टाइप में मर सकता है क्योंकि वो फाइटिंग टाइप है। तो ये था तीसरा रीज़न। तो गाइस ये तीसरे रीज़न, ये तीन रीज़न ही अच्छे थे। तो अगर आपको कोई और दूसरा रीज़न पता हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आपको इस वीडियो ये वीडियो सब अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करते रहना। तो गाइस अब मैं मास्टर लीग के बैटल के बारे में बात करते हैं।
Yeah.